सिनेमा के भगवान है भगवान। इतनी खुशी मुझे। बस कंगना के मुंह से ना ये सुनने के बाद शाहरुख खान का भी शायद यही रिएक्शन होगा। वैसे बॉलीवुड की हमारी पंगा गर्ल बहुत कम ही किसी के लिए अच्छा बोल पाती हैं, वरना मोस्टली तो इंडस्ट्री वालों की शिकायत ही करती रहती है अपने सोशल मीडिया पर। खैर लगता है जवान ने उनका भी मूड बदल दिया है फाइनली। इस टाइम हर कोई जवान जवान ही करता जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर जवान अपना कमाल दिखा रही है। फैंस 6 बजे के शो में भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ पहुंचे और खुश होकर आए अपने स्टार शाहरुख खान को देखने के बाद। जहां फैंस शाहरुख पर लुटा रहे हैं अपना ढेर सारा प्यार, वहीं अब कंगना रनौत के भी सोशल मीडिया पर बरसे हैं शाहरुख खान के लिए ढेर सारे फूल। जवान की रिलीज के दिन कंगना ने दिल खोल कर की है शाहरुख खान की तारीफ, और ये क्या, उन्होंने तो शाहरुख खान को गॉड ऑफ सिनेमा ही बुला दिया। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा सा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म जवान का ही पोस्टर शेयर करके लिख दिया, 90 के दशक के लवर बॉय बनकर खूब पॉपुलैरिटी बटोरी, फिर एक दशक तक शाहरुख खान ने बहुत स्ट्रगल भी किया, अब वो 60s की उम्र में जब वो ऑलरेडी 60 टच करने वाले हैं, इस उम्र में मास सुपर हीरो बनकर उभर के आए हैं। ये रियल लाइफ में किसी महानायक वाली कहानी से कम नहीं है। मुझे वो समय याद है जब लोगों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था और उनकी पसंद का मजाक भी उड़ाया था, लेकिन उनका संघर्ष उन सभी कलाकारों के लिए मास्टर क्लास है जो लंबे करियर का आनंद ले रहे हैं। वैसे कंगना यहाँ भी नहीं रुकी, उन्होंने इसके बाद आगे लिख दिया, उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से फिर से खुद को दोबारा खड़ा करना चाहिए और खुद को स्थापित करना चाहिए। शाहरुख खान सिनेमा के भगवान है, जिनकी भारत को ना केवल उनके हग्स और उनके डिम्पल्स की वजह से जरूरत है, बल्कि दुनिया को बचाने के लिए भी जरूरत है। इसी के साथ कंगना ने जवान की पूरी टीम को बधाई भी दी। इससे तो यार साफ ही हो गया है कि जवान के लिए लोगों का क्रेज और इस तरह का मैडनेस वाला रिस्पांस देखने के बाद कंगना के दिल में शाहरुख खान के लिए काफी ज्यादा इज्जत बढ़ गई है। वैसे अभी कुछ महीनों पहले भी पठान जब आई थी तब कंगना ने शाहरुख खान को लेकर एक छोटा सा टॉन्ट भी मारा था। दरअसल कंगना की फिल्म धाकड़ कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी, और तभी एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट करके लिखा था कि कंगना जी की फिल्म धाकड़ ने पहले दिन 55 लाख की कमाई की और लाइफ टाइम कलेक्शन 2.58 करोड़ रहा, जबकि पठान फिल्म ने पहले ही दिन 100 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं। फ्रस्ट्रेशन तो होगी ही कंगना जी को। फिर उसी पर कंगना रनौत ने भी आगे अपने स्टाइल में ही जवाब दिया कि हाँ जी, धाकड़ बहुत बड़ी हिस्टोरिक फ्लॉप रही है, इस बात से मैंने कब मना किया है, ऐसा कि जी की 10 साल में ये पहली फिल्म चली है, हम भी उनसे प्रेरणा लेते हैं, उम्मीद है कि जैसे भारत ने उनको मौका दिया हमको भी वो मौका मिलेगा, आफ्टर ऑल ये भारत महान है, उदार है, जय श्री राम। कंगना के इस जवाब को फैंस ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, उन्हें कंगना रनौत का इस तरह से इनडायरेक्टली शाहरुख खान के ऊपर टॉन्ट मारना बिल्कुल पसंद नहीं आया उनकी फ्लॉप फिल्मों को लेकर। खैर एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है जब फाइनली कंगना ने शाहरुख खान को गॉड ऑफ सिनेमा ही बुला दिया, इतना ज्यादा प्यार लुटाया है। वैसे इसी के साथ आपको बता दूं कि जवान ने पहले ही दिन इतनी ज्यादा कमाई कर ली है कि वो बिगेस्ट हिंदी ओपनर ऑफ ऑल टाइम बन चुकी है। जवान ने पहले ही दिन 75 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है सिर्फ इंडिया में, और अगर मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो जवान ने 150 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है। अब वीकेंड पर देखना कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होगा कि जवान क्या क्या कमाल फाइनली दिखाती है। इसी के साथ गाइज अभी के लिए इतना ही। आप कमेंट्स में जाकर जरूर बताना कि शाहरुख खान पर कंगना रनौत के इतने सारे कमेंट्स को लेकर आपका क्या कहना है, और दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों ने जवान देखी है तो क्या सोचना है आपको जवान के बारे में।